हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार के न्यू वेट सेंस के साथ सेटिस्फाइड वाली वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो अगर आप इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो यार, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करके जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, आपको काइन मास्टर डाउनलोड करना ये मिला क्योंकि आपको ऐसा वीडियो बनाना है तो आपको ये काइन मास्टर डाउनलोड करना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ओल्ड वर्जन काइन मास्टर यूज़ करते हो तो उसमें जो लाइफ इफेक्ट मैं मतलब यूज़ करूँगा वो लाइफ इफेक्ट आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, तो बाद में आप मुझे मत बोलना कि ये लाइफ इफेक्ट मुझे नहीं मिल रहा है। सो ये काइन मास्टर डाउनलोड करने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना है, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा। सो गाइस बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो गाइस देखो, आपको काइन मास्टर में आने के बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। डन, आपको ये विजुअल साइज को सिलेक्ट करना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पे फिर कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर ये मीडिया हमारा खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देखो मीडिया खुल गया है। अब गाइस क्या करना है, यहाँ सबसे पहले आपको ये वीडियो को एड करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो आप चेक कर लेना इसमें कोई ऑडियो, अगर ऑडियो होगा तो इसको यहाँ से म्यूट कर देना। अब गाइस म्यूट करने के बाद फिर आपको मीडिया क्लिक करना है। डन, आपको अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। सो आप जितना ही फोटो को आप यूज करना चाहते हो उस हिसाब से अपनी फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस मैं कुछ फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ बस आपको बताने के लिए। सो ये देखो, ये हमारा फोटो, इसको मैं मतलब बार बार रिपीट कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा। सो और फोटो को मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ नीचे से, नीचे हमारा फोटो। ओके, ये हमारा फोटो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से कुछ फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो इसमें ज़्यादा फोटो नहीं लगेगा, सिर्फ आपको 27 फोटो सिलेक्ट करना है। सो मैं भूल गया था, मुझे पता है 27 आप इमेज सिलेक्ट करना उतना ही इमेज आपका लगने वाला है। ओके, सो अब गाइस यहाँ पे देखते हैं हमारा कैसा एडिटिंग होगा। उसके लिए मैं शुरू में जाना है, फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। देन आपको ये एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें लिखा होगा सॉन्ग आसिफ टेक करके। सो उस वीडियो को डाउनलोड करना है, ऐसा वीडियो नहीं होगा, उसमें सॉन्ग आसिफ टेक करके लिखा होगा। ओके, इसका स्टेक वीडियो आपको निकाल देना है और इस वीडियो को डिलीट कर देना जो वीडियो रहेगा। ओके, सो अब वीडियो डिलीट करने के बाद इस प्रकार का आ जाता है। तो हमारा पहला बीट मतलब फोटो चेंज हो रहा है, वो बीट के हिसाब से हो रहा है, उसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब कैसे आपको करना क्या है, इसको इस प्रकार से दो उंगली से घींच के बड़ा कर देना है। इससे आपको क्या होगा, इमेज को ट्रिम करने में थोड़ा आसान होगा, उसे आप जल्दी जल्दी इमेज को ट्रिम कर पाओगे अच्छे से। ओके, सो ये देखो हमारा बीट आ गया। यहाँ पे बीट है, यहाँ पे आपको अपनी इमेज को ट्रिम करना है। फिर आगे हमारा यहाँ पे बीट है, वो बीट आप यहाँ पे देख लेना सॉन्ग में और अपनी इमेज को ट्रिम करते जाना आपको। ओके, सो इस प्रकार से देखो मैं कर रहा हूँ, ये हमारा इमेज पे ट्रिम मतलब बीट पे ट्रिम हो चुका है। और मेरे हिसाब से ये जो हमारा बीट नहीं है बल्कि बीट हमारा यहाँ पे होगा, मैं देख लेता हूँ सही से चेक कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस मैं बोल रहा था यहाँ पे ये बीट नहीं है बल्कि हमारा ये बीट के साथ साथ ये भी हमारा बीट नहीं है। सो आगे हमारा बीट यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पे देख लो आप लोग 8.800, मैं इस प्रकार से 8.870 पे ट्रिम कर देना अपनी इमेज को। ओके, 18.870 पे। ओके, सो फिर आपको आगे जाना है, यहाँ पे अपनी इमेज को ट्रिम करना है। देन यहाँ पे वो सॉरी गाइस, मैंने उल्टा साइड से ट्रिम कर दिया है। सो ये हमारा हो गया। ओके, सो यहाँ पे आना है और आपको इस साइड से ट्रिम करना है, ये जो लिखा हुआ है ट्रिम टू राइट ऑफ हेड, उस पर क्लिक करना है और अपनी इमेज को ट्रिम कर देना है। फिर आगे जो बीट है इस पर आपको अपनी इमेज को ट्रिम करना है। फिर आगे जो बीट है ये सब बीट पे आपको अपनी इमेज को ट्रिम करना है। ओके, सो यहाँ पे भी अपनी इमेज को ट्रिम करना है। सो इस प्रकार से अपनी इमेज को ट्रिम मैंने कर लिया, आप लोग देख सकते हो। सो आपको आगे जाना, आगे जाने के बाद यहाँ पे 19.800 जो यहाँ पे लिखा हुआ है 890 के आसपास, वहाँ पे ट्रिम करना है अपनी इमेज को। ओके, सो इसको ट्रिम करने के बाद फिर आपको आगे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद अपनी इमेज को ट्रिम करना है 20.860 के आसपास। ओके, अब इसको ट्रिम करने के बाद सो यहाँ पे जितना भी बीट आपको दिखाई दे रहा है इस बीट पे अपनी इमेज को ट्रिम करते जाना है। ये देखो हमारा इमेज यहाँ पे, ये हमारा चेंज होगा, यहाँ पे बीट है। ओके, सो यहाँ पे फिर हमारा चेंज होगा, ये देखो क्योंकि यहाँ पे बीट है हमारा और यहाँ पर भी बीट है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। सो ये देखो, ये हमारा बीट है नॉर्मल से बीट, इसमें आपको अपनी इमेज को ट्रिम करते जाना है। ओके, सो आपको आगे जाना है यहाँ पे 22.5 पे और 549 पे मैंने किया है, 50 पे आप कर लेना। ओके, सो आपको इस प्रकार से ट्रिम कर देना और यहाँ पर भी आप अपनी इमेज को ट्रिम कर देना आगे। ओके, सो इस प्रकार से आपको ट्रिम कर लेना है। सो आपको यहाँ पे कर देना है 22.800 पे। ओके, सो आगे जाना है, यहाँ पे मेरा बीट है 23.7 सेकेंड पे,
यहाँ पे आपको अपनी इमेज को ट्रिम करना है। ओके सो इसको ट्रिम करने के बाद फिर आपको आगे कहाँ पे ट्रिम करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको ट्रिम करने के बाद लास्ट में जाना है आपको एंड में, यहाँ पे अपनी इमेज को ट्रिम करना है। ओके सो ये जो हमारा इफेक्ट है यहाँ पे आपको अपनी इमेज को ट्रिम करना है। सो फिर आपको यहाँ पे अपनी इमेज को ट्रिम करना है, बाकी सारा जितना भी इमेज आपको बचता है तो वो बचेगा नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ 27 मतलब 27 इमेज को ही सिलेक्ट करना है, तो आपका नहीं बचेगा क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया था। ओके सो अब गाइस क्या करना है, सबसे जो लास्ट में ये जो है दो इमेज आपको अगर इसमें जो कॉल में डीजे कोई सा भी डाल देना है। ओके सो ये दोनों वाला मैं डाल देता हूँ लास्ट के दो इमेज में, और कोई भी इमेज में कॉल में डीजे नहीं डालना है। आपको कॉल में डीजे इंस्टॉल करना नहीं आता तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चाहो तो वो वीडियो को जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप कॉल में डीजे को इंस्टॉल कर सकते हो बीटसिंस ऐप से, तो आप जाके चेक कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, जो हमारा पहला इमेज है ओके सो अब हमारे जो इसमें जो क्लिप ग्राफिक्स एड करना है सभी इमेज में, उसका नाम है इन एनिमेशन, उसको डाउनलोड करने के लिए आपको बॉक्स आइकन पे क्लिक करना है। ओके सो क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करने के बाद ओके सो यहाँ पे आपको मिलेगा एक एनिमेशन करके, यहाँ पे इन एनिमेशन आपको मिल जाता है, सो आप इसको डाउनलोड कर लेना। ओके सो इन एनिमेशन से आपको कोई सा भी एक नंबर, मतलब जो आपका पहला इमेज है उसमें आप कोई सा भी डाल सकते हो, जस्ट मैं ये ऑटो नंबर डाल देता हूँ। ओके सो आपका जो आगे जो दो इमेज है उसमें आप ये डाल देना ओके जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 नंबर आप डाल देना दोनों इमेज में, क्योंकि मैंने भी इसी को एड किया था, तो आप ये 5 नंबर एड कर लेना दोनों इमेज में। ओके सो फिर आपको आगे जाना है और ये इन एनिमेशन में जाना है और आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद यहाँ पे जो आपको मिलता है अच्छा जो भी आपको अच्छा लगता है वो देखो, मैंने ये 47 वाला मैंने एड किया था तो आप भी इसको एड कर सकते हो। सो आप देख लेना और इस पास एड कर लेना। अब बस इसको एड करने के बाद सो आपको क्या करना है, जो बाकी आपका यहाँ तक इमेज है 19.800 तक जितना भी इमेज है उसमें आपको क्या करना है, कॉल में सॉरी गाइस कॉल में डिजाइनिंग इन एनिमेशन से आप जरा एड कर सकते हो 6 नंबर वाला। ओके सो क्योंकि जो हिसाब से उसमें बीट बज रहा है उसी हिसाब का आपको अपनी इमेज को चेंज करना है, सो बहुत ही अमेजिंग लगता है ऐसा अगर आप चेंज करते हो तो वो आप देख लेना सही से और अपनी इमेज को मतलब ट्रिम कर लेना। सो गाइस मैं इसमें भी 6 नंबर वाला एड कर लेता हूँ और आगे इसमें भी 6 नंबर वाला एड कर लेता हूँ, ये हमारा एड हो चुका है। अब बाकी जो अगला इमेज है इसमें आप इन एनिमेशन से ये नीचे वाला जो आप डाल सकते हो, सो जैसे कि मैं ये डाल देता हूँ 44 नंबर वाला, सो आप इसको भी डाल सकते हो। अब गाइस क्या करना है, आपको आगे जाना है, अब आगे जाने के बाद इसमें भी आप फोटो को चेंज कर सकते हो, मतलब इफेक्ट को आप दूसरा इफेक्ट डाल सकते हो। सो मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पे कौन सा इफेक्ट डालना है। सो आपको यहाँ पे 21.800 तक जो तीन इमेज है, मतलब 21.800 तक जो तीन इमेज है उसमें आप ये ऊपर से नीचे 7 नंबर वाला ये भी एड कर सकते हो, आप देख लेना इन एनिमेशन से जैसे कि 7 नंबर वाला। ओके सो ये तीनों इमेज में आपको जरा एड कर लेना है। और गाइस अब गाइस क्या करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ, अब गाइस इसमें हम इफेक्ट को चेंज करेंगे ये सब इमेज में। सो यहाँ पे हमारा चार इमेज शायद 4 या 5 इमेज में ये इफेक्ट लगेगा हमारा, सॉरी गाइस 4 इमेज नहीं क्योंकि इधर से हमारा कॉल में डीजे लगा हुआ है। सो इधर जितना भी इमेज बचता है सभी में आपको क्या करना है, जो है स्वीट लिस्ट आपको डाउनलोड करना है बीट सिंस ऐप से। सो आप ओला वीडियो को आप देखोगे तो आप सीख ही जाओगे बीट सिंस से इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए। सो स्वीट लिस्ट जो आपको 5 नंबर वाला दिखाई दे रहा है इसको आपको सिलेक्ट करना है। ओके सो ये देखो आपको ये 5 नंबर वाला सिलेक्ट करना है। ओके तीन इमेज में ये देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको सेव करना है, तो तीन इमेज में 5 नंबर वाला सिलेक्ट करना है। उसका जो चौथा इमेज है उसमें आपको क्या करना है, स्वीट लिस्ट से ये मैं आपको दिखाता हूँ ये जो है हमारा 4 नंबर वाला इसको सिलेक्ट कर लेना। ओके सो जैसे मैंने बनाया था वैसे सेम टू सेम आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी गलत नहीं बता रहा हूँ। ओके सो अब मैं वीडियो को थोड़ा देर पहले करके दिखाता हूँ वीडियो कैसा बनना है। सो ये देखो वीडियो आपने देख लिया, अब गई इसमें हमें क्या करना है लाइट इफेक्ट एड करना है, तो मैं भूल गया था थोड़ा, अब मैं जल्दी जल्दी लाइट इफेक्ट एड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, ये लाइट इफेक्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। जैसा इस प्रकार से बढ़ा के इसका जो ऑडियो का कोई इसको म्यूट कर देना और इसका ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर देना है। ओके अब गाइस इसका एडजस्टमेंट में जाके बिटनेस को थोड़ा सा घटा देना है। ओके इससे ये होगा इसका जो लाइट मतलब जो आपके फेस में जाएगा, मतलब ये बोलते हैं फैलता जो है वो लाइट नहीं फैलेगा ज़्यादा। ओके सो ये अच्छा से आपके फेस पे ज़्यादा नहीं जाएगा, अच्छे से लाइट अब दिखाई देगा। ओके सो ये आप कर लेना। अब गाइस फिर आपको शेयर आइकन पे क्लिक करना है, 1080p और 30 फ्रेम रेट पे अपने वीडियो को सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना है, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।